द व्यू पॉइंट प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में सभी दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेजर जनरल बी के शर्मा साहब से। तालिबान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हो रही है उसे लेकर प्रोग्राम में आपका स्वागत है सर। शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके प्रोग्राम में फिर से शामिल हो रहा हूँ। जी दोस्तों, मैं आपको मेजर जनरल बीके शर्मा साहब का थोड़ा सा तारुफ फिर से करवा दूं। आप इंडिया के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च एंड सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड सिमुलेशन में हेड हैं। जनरल साहब, आपने अफगानिस्तान के अंदर बहुत वक्त बिताया है, सेंट्रल एशिया के अंदर एज अ डिफेंस अटाचे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। आज आपसे बहुत सारी बातें होंगी, अभी जो तालिबान और अमेरिका के बीच में पीस टॉक्स हो रही हैं उसे लेकर। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अफगानिस्तान की इस पूरे खेते के अंदर जो जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, हमें उसके बारे में बताएं, और उसके साथ साथ इस खेते में जो उसका इम्पैक्ट है पीस और स्टेबिलिटी के ऊपर, उसके बारे में हमें थोड़ा आगाह करें। शुक्रिया अरविंद। मैं चार चीजें जो हैं उनसे शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले अफगानिस्तान की जियोग्राफी, फिर वहां की डेमोग्राफी, फिर जो वहां पे आइडियोलॉजी चल रही है, और फिर कुछ हम तारीख के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी इवेंट्स तारीख की जिनका आज के हालात के ऊपर असर पड़ा है। तो अगर हम जियोग्राफी लें तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है, इसको बाहर जाने के लिए दूसरे मुल्कों के रास्ते से जाना पड़ता है, ठीक है। और इसके जो बॉर्डर्स हैं चारों तरफ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो नॉर्थ में है, ईरान जो है, या पाकिस्तान के साथ जो दुरंग लाइन है, ये सारे बॉर्डर्स बहुत ही डिफिकल्ट माउंटेनस एरिया से जाते हैं, और यहाँ पे कोई बॉर्डर मैनेजमेंट कंट्रोल जो है बहुत इफेक्टिव नहीं है। आसानी से लोग, आप जितनी भी फौज लगा दें, आ जा सकते हैं जिसको बॉर्डर क्रॉस करना है। तीसरी चीज, यहाँ की जो एथनिसिटी है जो वो बॉर्डर के दोनों तरफ पे बिखरी हुई है। तकरीबन इस वक्त अफगानिस्तान की जो आबादी है वो 36 मिलियन लोग वहां पे रहते हैं, जिसमें 50% से ज्यादा जो है वो नॉन पश्तून है। ऊपर नॉर्थ की तरफ ताजिक्स हैं, फिर उज़्बेक्स हैं, फिर तुर्कमेंस हैं, फिर अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इस्माइलीज हैं, हजारात हैं, और नीचे कुछ बलोच हैं जो बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, और फिर पश्तूंस के कई सारे ट्राइब्स हैं जो दुरंग लाइन की दोनों तरफ पे बिखरे हुए हैं, और इनका सदियों से एक दूसरे के साथ ताल्लुक रहा है, और आज भी ये लोग एक दूसरे के साथ, इनका कल्चरल और एथनिक कनेक्शन है। इस सब चीज के बीच में जो दूसरी चीज अभी अफगानिस्तान में आई है, क्योंकि वहां लोग ज्यादा सूफीज्म पे यकीन करते थे, अब वहां जो तालिबान है या अलकायदा, ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस, वहां पे एक वहाबी सलाफी आइडियोलॉजी का बीज बोना चाहते हैं वो लोगों के बीच में। सो ये सारे फैक्टर जो मिलके अफगानिस्तान की जो मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर असर डालते हैं। अब हम हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो आप देखें कि जब सिल्क रूट था पुराने जमाने में, तो सिल्क रूट का जो हब सेंटर था वो अफगानिस्तान था। पूरी ट्रेड जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया चाइना की तरफ, वो जो है अफगानिस्तान से होके गुजरती थी। तो ये एक ब्रिज की तरह जो है डिफरेंट खित्तों के बीच में ये एक खित्ता था, एक ब्रिज था, और उसमें जो है आप देखें बुद्धिज्म इंडिया से जो है सेंट्रल एशिया चाइना की तरफ ट्रेवल हुआ, इस्लाम और सूफीज्म जो है सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आया। तो जिसको एक बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें अफगानिस्तान ने एक बहुत अहम रोल अदा किया। लेकिन जो अगर हम नेगेटिव साइड देखें, इसी टेरिटरी को बहुत सारे इन्वेडर्स ने बाहर से इस्तेमाल किया। आप शुरू से देखें अलेक्जेंडर, तिमूर लेन, गजनवी, गाजीज, और जितने बाबर जो फरगाना वैली सेंट्रल एशिया में रहता था वो भी हिंदू कुश क्रॉस करके, और उसने आके इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मुगल रूल का इस्तेमाल किया।
तो इन सारे तारीखी वजूहात की वजह से जो भी अफगानिस्तान का एक रोल इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, बरसगीर के ऊपर रहा है, वो बहुत जरूरी है। फिर आप देखें 19वीं सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स और सोवियत यूनियन के बीच में जो फर्स्ट ग्रेट गेम हुई, जब वो अफगानिस्तान के ऊपर, सेंट्रल एशिया के ऊपर हावी होना चाहते थे, तो उसमें जब ये अफगानिस्तान के ऊपर दोनों साइड जो कंट्रोल नहीं कर सकी, तो इन्होंने वकान कॉरिडोर जो है उसको एक बफर बना दिया, हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट है उसके बीच में और सेंट्रल एशिया के बीच में। सेकंड चीज जो है, जब 79 से 89 यहाँ पे सोवियत आए, तो वो कोल्ड वॉर का पीरियड था और उस वक्त जो लड़ाई अमेरिका और सोवियत के बीच में थी, उसका जो एपिसेंटर था वो फिर अफगानिस्तान बना। जो अमेरिका था उसने एक लेजिटिमाइज किया जिहाद एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उस वक्त उन्होंने मुजाहिदीन को इस्तेमाल के 10 साल जो लड़ाई लड़ी उसमें सोवियत यूनियन डिफीट हुआ। लेकिन उसका जो आउटकम है वो क्या हुआ कि आपने एक फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर जो है उसको पैदा कर दिया, एक नई ब्रीड जो है टेररिज्म की वो पैदा कर दी, दैट इज इस्लामिक और जिहादी टेररिस्ट। उसका असर भी इंडिया के ऊपर पड़ा, क्योंकि उन्हीं दिनों जो है कश्मीर में हालात थोड़े बिगड़ गए थे और जो बचे खुचे लोग वहां थे अमेरिका के निकलने के बाद, उनको इन्होंने कश्मीर के अंदर डालने की कोशिश की। अमेरिका की कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं थी, तो उन्होंने इस रीजन को ऐसे ही डिस्टेबलाइज छोड़ दिया और उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ा और किसी हद तक इंडिया को भुगतना पड़ा। अब जब 9/11 हुआ, जिसकी पूरी जो भी अमेरिकन के हिसाब से जो तजवीज बनी वो अफगानिस्तान के ऊपर बनी उसामा बिन लैडन ने, उसके बाद 9/11 हुआ, और 9/11 के बाद जो है एक नई फेज जो है जिसको हम न्यू ग्रेट गेम बोलते हैं ऑफ द 21वीं सेंचुरी, वो शुरू हुई। अब इसमें क्या है, पूरे लोग जो हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, उनका रोल बदली हो गया। अब यहाँ पे तालिबान जो है उनके साथ अमेरिका लड़ रहा है, पाकिस्तान जो है उसकी पॉलिसी दोनों साइड भी है, इधर भी लड़ता है उधर भी लड़ता है, और उसकी जो पेनल्टी है वो पाकिस्तान को पड़ रही है। तो इस वक्त हम चाहें कि जो एक स्लोगन था कि अफगानिस्तान एक कब्रिस्तान है एम्पायर्स का, तो सिचुएशन कुछ उसी तरीके से आ रही है कि अब फिर से हालात खराब हो रहे हैं, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी बजाय इसके कि वो इकट्ठा होके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो भी बिटे हुए हैं, और अफगानिस्तान इस वक्त एक प्रॉक्सी ग्राउंड बन गया है ग्रेट पावर प्ले में, जिसमें जो रीजनल पावर्स हैं, रीजनल कंट्रीज, वो भी मुलव्वस हैं। अब इसका असर रीजन की स्टेबिलिटी पे भी पड़ेगा, पाकिस्तान पे भी पड़ेगा और इंडिया पे भी पड़ेगा। जी, तो ये बताएं कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है अफगानिस्तान में और हमारा क्या रोल रहा है उस रीजन के अंदर? देखें, इंडिया जो है वो एक स्टेबल और एक खुशहाल अफगानिस्तान चाहता है, ऐसा अफगानिस्तान जो पूरे वर्ल्ड के जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसके साथ जुड़ जाए, और ये एक ऐसा ऐसी जगह ना हो जहां से टेररिज्म का ये एक तरीके से दोबारा से एपिसेंटर बन जाए, और कोई भी नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जिस तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह है वो यहां से ना चलें, और कोई भी जो बैरूनी या रीजनल ताकत ताकत से वो अफगानिस्तान का फायदा ना उठाए अपनी प्रॉक्सी अपनी लड़ाइयां वहां पे लड़ने की। तो ये तो इंडिया का जो लार्जर इंटरेस्ट है। अब हमारा इंटरेस्ट जो है, आप देखें कि जब 47 के बाद पाकिस्तान बना, तो हमारी जो कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया के साथ थी उसमें डिसरप्शन आ गई, हमें कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। जो भी एक्सेस हमें सेंट्रल एशिया यूरेशिया की तरफ मिलेगी स्ट्रेटजिकली, वो ईरान के थ्रू और अफगानिस्तान के थ्रू मिल सकती है। इसी तरीके से अगर हमारे एनर्जी रिसोर्सेज जो हमें चाहिए सेंट्रल एशियन रीजन से, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके लिए भी जो अगर तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन है, वो भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी चीज यह है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान दोबारा से एक इंटरनेशनल टेररिज्म का एपिसेंटर ना बने, जहां से ये जिहादी जो हैं अपनी जो भी आइडियोलॉजी है या जो भी उनका तरीका है वो दूसरे कंट्रीज के अंदर फैलाए। अब हम जो हैं एक
फॉर्मली शुरू से चाहते हैं कि एक ऐसा पीस प्रोसेस अफगानिस्तान के अंदर हो जिसके मालिक अफगान हो, जिस को गाइड अफगानिस्तान करें और जिसका पूरा कंट्रोल जो है वो अफगानिस्तान के अंदर हो। और हम चाहते हैं जो भी वहां पे गवर्नमेंट बने पहली उसकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हो और वो एक पॉपुलर पीपल्स मैंडेट के ऊपर बने, ना कि कोई गन के जोर पे या जोर जबरदस्ती वायलेंस के रूप तरीके से। तो हमने क्या किया है कि हमारा एक अफगानिस्तान के स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जो 2011 में हमने उनके साथ साइन किया। इंटरनेशनल लेवल पे भी हम अफगानिस्तान को डिफरेंट बॉडीज के अंदर जो मल्टीलेटरल बॉडीज हैं उनमें उनकी सपोर्ट करते हैं, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कॉन्टेक्ट ग्रुप है अफगानिस्तान का, रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल है, इसी तरीके से ब्रिक्स है, यू नो ब्राजील इंडिया रशिया ये चाइना ये है, उसके अलावा हेरात सिक्योरिटी काबुल पीस प्रोसेस है, या हमारा जो दूसरा यहाँ पे है हेरात सिक्योरिटी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस मॉस्को फॉर्मेट, इस सब में इंडिया जो है शामिल है, उनको सपोर्ट करता है। अब जब से हमने वहां पे अपनी जो एक्टिविटीज फेस की हैं तो अभी तक हमने $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पे की है सिविक एजेंसी प्रोजेक्ट जो है उसमें, खासकर जैसे आप देखें सलमा डैम हमने वहां पे बनाया, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई, रोड्स उनका पूरा हाइड्रो पावर ग्रिड हमने बनाया, टेलीविजन की इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इस सब में हमने बहुत पैसा वहां पे लगाया। और ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम डेवलपमेंट पार्टनरशिप का मॉडल है, ये नहीं कि हम जो चाहते हैं वहां देना चाहेंगे, इसमें पूरे जो पैसा सिर्फ इंडिया दे रहा है लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो अफगान लोग खुद कर रहे हैं अपनी मर्जी से, उनके साथ एक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क में हम ये चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे वैकेंसीज देते हैं फ्री की, ताकि वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आके पढ़े, तालीम हासिल करें। जो भी लोग बीमार हैं वो इलाज करवाना चाहते हैं उनको बहुत ही लिबरल मेडिकल वीजा देते हैं और स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स में है ताकि उनको कोई थोड़ी बहुत जो रिबेट है वो भी मिले। इसके अलावा आप देखें कि पूरी जो जितनी भी ट्रेड अफगानिस्तान के ट्रेडर्स की इंडिया के साथ थी वो वाघा बॉर्डर से, लेकिन वो लोग परेशान हो गए क्योंकि पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के ऊपर उनके पूरे ट्रक अनलोड करते थे, कई दिनों तक वो ट्रक वहां पे रहते थे, फिर वो उनकी ट्रांसशिपमेंट दूसरी तरफ होती थी और यहाँ से वो इंडियन मार्केट में जाते थे, तो उनके जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो जाया हो रहे थे। तो इंडिया ने क्या किया, 2 एयर कॉरिडोर जो है हमने डिफरेंट जो सिटीज हैं वहां से यहाँ बॉम्बे की तरफ और दिल्ली की तरफ हमने एयर कॉरिडोर निकाले जिसके थ्रू वो जो है यहाँ पे अपना जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट्स में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले साल वहाँ एक कहत की एक सिचुएशन पैदा हुई थी, वहाँ उनकी जो है उनके पास अनाज नहीं था, उनके पास दालें नहीं थी, तो हमने जरांज देलाराम का जो रूट है चाबहार से वहां से वो स्टॉक जो है वहां पे उनको भेजे और उनकी उस वक्त मदद की। इसके अलावा अब हमारा जो है चाबहार प्रोजेक्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रोड के साथ साथ रेलवे लिंक भी जो है अफगानिस्तान की तरफ जाए और उनकी जो डिपेंडेंस है पाकिस्तान के ऊपर जिसको पाकिस्तान एक तरीके से एक्सप्लॉइट करता वो भी कम की जाए। इसके अलावा हमने उनके लिए ट्रेड शोज यहाँ बॉम्बे और दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन जो अफगानिस्तान के वो आए इंडियन बिजनेसमैन और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए उन्होंने बातचीत की ताकि अगर वहां पे पीस आए तो जो वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दूसरे कंट्रीज से आए। इसके अलावा अब हमने क्या किया है कि एक एक बिलियन डॉलर के और जो मदद है हम उनको दे रहे हैं और इसमें 116 हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जो 31 प्रोविंसेस में करेंगे हमें। ये नहीं है कि हम सिर्फ नॉन पश्तून एरियाज में ये करेंगे, उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है पश्तून एरियाज में करेंगे। सिक्योरिटी के एरिया में क्या है, हमने उनको कुछ नॉन लीथल जिसको एड होती है वो दी, 4 हेलीकॉप्टर्स पहले दिए, 3 हेलीकॉप्टर्स हम उनको और देंगे, तकरीबन 1,000 सिक्योरिटी पर्सनल उनके जो है इंडियन
सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स में जो हर साल ट्रेनिंग करते हैं, इसके अलावा जो है जो भी वहां बैटल कैजुअल्टी होती है, उन बैटल कैजुअल्टीज को जो बच्चे हैं उनको हम यहाँ पे हमने 500 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दिया, तकरीबन 100 बेड जो है वो उनकी जो डिफरेंट लोग हैं जख्मी होते हैं उनके लिए किया। इसके अलावा पुलिस की ट्रेनिंग के लिए हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ ताकि हम उनको ट्रेनिंग करें। और इंडिया इस वक्त हमारी बातचीत हुई थी रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी, उज्बेकिस्तान के भी साथ भी, कि अगर वो तैयार हैं तो इंडिया रेडी है कि हम ज्वाइंट प्रोजेक्ट जो है अफगानिस्तान की फलाह और बहबूदी के लिए करें। तो ये जो मेन फीचर्स हैं हमारी कोऑपरेशन के अफगानिस्तान के साथ। जनरल साहब, अफगानिस्तान के अंदर जो इवॉल्विंग सिक्योरिटी सिनेरियो है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। 40 साल से अफगानिस्तान जो है एक बहुत ही बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। 79 में जब सोवियट्स ने वहां पे अटैक किया और अब 2019 है। इस वक्त इस कंट्री की हालत ये हो गई है कि इस वक्त टेररिज्म में ये नंबर वन है वर्ल्ड में इसका रैंकिंग, ठीक है। और ऊपर से जो है पूरी कंट्री की जितनी भी इकोनॉमी है वो 90% जो वो डिपेंडेंस बाहर की ताकतों पे है। अंदर जो एग्रीकल्चर है उसमें 2/3 जो उसकी जो इकोनॉमी है वो पैडी जो जो अपना पॉपी ग्रोथ है उससे होती है। इसके अलावा यहाँ पे तकरीबन यहाँ की जो जितनी पॉपुलेशन है 62% पॉपुलेशन जो है वो उसकी एज 25 साल से कम है और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जो है वो तकरीबन 55% है। तो ये एक रेडीमेड यूथ है जो जिनके पास कोई सोर्स नहीं है और वो ये जिहादिज्म की तरफ जो है वो निकल जाते हैं। इसके अलावा आप देखें जितनी भी यूएन की रिपोर्ट्स हैं और दूसरी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, 50% टेरिटरी में किसी ना किसी तरीके से दबदबा है तालिबान का, ठीक है। और इसके अलावा जो है अभी तक इस साल 7,000 सिविलियन जो हैं वो मर चुके हैं अटैक्स में। 2014 से अभी तक 45,000 जो सोल्जर्स या जो पुलिस वाले हैं वो शहादत एक वहां पे उनकी हो गई है। और अमेरिकन्स का भी नुकसान तकरीबन 2400 लोग उनके मर गए हैं जब से वो यहाँ पे आए हैं और तकरीबन उनके 20,000 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। उन्होंने यहाँ $1 trillion का खर्चा किया है जो तकरीबन हर साल $45 billion आता है जो जो अब इस वक्त फॉरेन रिजर्व है पाकिस्तान के पास उससे तकरीबन 4 गुना ज्यादा जो है वो खर्चा करते हैं। और जहां तक वहां पे जो टेररिज्म का सवाल है तो वहां उनकी जो आइडियोलॉजी वो तो बहुत एक फर्म आइडियोलॉजी कि हमने यहाँ निजाम मुस्तफा शरिया लगाना और इसको एक हमने इस्लामिक स्टेट बनाना है। और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो भी बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। वो बोलते हैं कि अमेरिकन्स हैव द वॉचेस एंड वी हैव द टाइम। और सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ है जो टेररिस्ट नेटवर्क है वहां एक मोनोलिथ नहीं है कि एक किस्म का कोई टेररिस्ट ग्रुप है जिससे आप डील करें। ब्रॉडली वहां पे कोई 20 से ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वहां पे ऑपरेट करते हैं और इनको आप 4 कैटेगरी के अंदर तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी जो है वो फॉरेन जिहादीज हैं जिसमें अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस जो है वो लोग हैं और ये मिला जो जुलू के इनकी तादाद कोई 4,000 के ऊपर होगी। फिर जो दूसरा ग्रुप इनका है वो है आपके जो जो नॉन पश्तून ग्रुप्स हैं जो जिनका सेंट्रल एशिया जिनजियांग चेचनिया के साथ ताल्लुक है जैसे इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये जो हैं ये लोग नॉर्दर्न अफगानिस्तान के ऊपर इनका जो है कंसोलिडेट इन्होंने किया है। और इनका मुद्दा है इस जिहाद को अफगानिस्तान की टेरिटरी को बेस बना के सेंट्रल एशिया और जिनजियांग और दूसरे काकसस के रीजन में ये फैलाना। जो तीसरा ग्रुप यहाँ पे है वहां पे बहुत सारे जो हैं
پاکستانی سینٹرک گروپس آ گئے ہیں وہاں پہ، اور وہ گروپ ان میں شامل ہیں، لشکر طیبہ ہے، تحریک طالبان آف پاکستان ہے، اس کے علاوہ جائش محمد ہے، اور بہت سارے اور لشکر جنگوی سپاہی صاحبہ قسم کے جو گروپ ہیں، یہ جو ہیں یہ لائلٹیز ان کی چینج ہوتی رہتی ہیں، اگر ایک گروپ بات چیت بھی کرے گا تو دوسرا کوئی نہ کوئی گروپ یو نو کمپٹیٹیو ٹیررزم جس کو بولتے ہیں اس میں یہ لوگ ملوث ہیں، اور کسی نہ کسی کی جو وہ رسی ہے وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہے، باہر والے کے ہاتھ میں، تو یہ لڑتے رہتے ہیں. اور جو فورتھ گروپ جو سب سے بڑا گروپ ہے وہ ہے طالبان کا گروپ، اور طالبان کے گروپ میں بھی تقریباً چار موٹے گروپ اس کے اندر ہیں، جس میں سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک کا ہے، سراج الدین حقانی اس میں نمبر ٹو ہیں، اور اس میں جو اخندزادہ ہیں وہ جو ہیں اس کے ان کے ساتھ وہ اکٹھے یہ مل کے لڑتے ہیں. اب ان کے اوپر جو ہے تقریباً زیادہ تر پاکستان کا جو اثر و رسوخ ہے، کیونکہ جتنی بھی ان کے شوراز ہیں جیسے پشاور کے اندر، میران شاہ کے اندر، وہاں پہ ان کا جو ہائر ڈیفنس ہائر آرگنائزیشنز ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول، وہ وہاں سے چلتی ہیں. اب پرابلم یہ ہے ان لوگوں کی لائلٹیز جو ہیں گروپس کی چینج ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی تو یہ مل کے اکٹھا لڑتے ہیں، کبھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا لڑتے ہیں. اور اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، حال ہی میں اسلامک اسٹیٹ آف خورسان پروونس نے بارات کے اوپر وہ اٹیک کیا جس میں 80 سیولین انوسنٹ لوگ مر گئے، اور طالبان نے اس کی مذمت کی. پھر کچھ دن پہلے جو ہے یہ جو ملا حبیت اللہ اخندزادہ ہیں ان کے برادر کی اسیسینیشن ہو گئی کچھ لاکھ ماسک کے اندر پاکستان کے اندر، اس میں کون لوگ ملوث تھے. لاسٹ ایئر ایک جنرل رزاق تھے جو پولیس ہیڈ تھے قندھار پروونس کی، جس میں وہ ملٹری کمانڈر، ٹاپ ملٹری کمانڈر یو ایس کے، وہ بھی مشکل سے بچے، ان کی اسیسینیشن میں کیا ہاتھ تھا. تو یہ ایک میرے حساب سے بچپنے والی سوچ ہے کہ اگر آپ ایک گروپ کے ساتھ نیگوسیشن کریں گے تو باقی جو گروپ وہ چپ بیٹھے رہیں گے. جو دوسرے گروپ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر آپ ان کو اکاموڈیٹ نہ کرو وہ لڑتے رہیں گے. آپ بون پروسیس دیکھیں 2001 میں، جن لوگوں کو آپ نے بون پروسیس میں نہیں رکھا ان لوگوں نے گن اٹھا لی، بعد میں وہی طالبان بن گئے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے کئی ایسے جن کو ہم کوریجیبل طالبان بولتے تھے جو آگے اپنا سرنڈر کر کے مین سٹریم میں آنا چاہتے تھے، لیکن امریکنز نے ان کو انکریج اس وقت میں نہیں کیا، تو الٹیمیٹلی وہی لوگ جو ہیں وہ اس مہم کے اندر چلے گئے. اب جہاں تک کاؤنٹر ٹیررزم کی کیمپین ہے، ٹھیک ہے، افغان نیشنل سیکورٹی فورسز اور جو تقریباً اس میں 22,000 فورن ٹروپس ہیں، 14,000 امریکنز ہیں، 8,000 ہیں، وہ وہاں پہ لڑ رہے ہیں، لیکن اوور آل ان کی ایئر فورس بھی ایکٹیو ہے، سب کچھ ایکٹیو ہے، لیکن اوور آل آپ کسی بھی سلجھے ملٹری کمانڈر سے بات کریں تو وہ بول رہے ہیں جی اس وقت جو سٹیٹ ہے وہ ایک سٹیل میٹ کی ہے، کوئی بھی سائڈ جو ہے وہ جیت نہیں رہی، بلکہ جو پلڑا ہے وہ افغان کی سائڈ پہ جو ہے بھاری پڑ رہا ہے، اینڈ دے آر آن دا وننگ سائڈ. 2001 سے لے کے ابھی تک سب سے زیادہ جو ٹیریٹری کنٹرول کی ہے افغانستان میں وہ طالبان نے کی ہے. تو آئی ووڈ سے کہ آن دا ہول جو پوری مورل اسینڈنسی اس وقت ہے افغانستان کے اندر یا ملٹری اسینڈنسی ہے وہ طالبان کے پاس. سو جنرل صاحب آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے، یہ جو آن گوئنگ یو ایس ٹاکس ہو رہی ہیں طالبان کے ساتھ، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جتنی بھی ٹاکس ہیں یہ ایک بہت ہی کمپلیکس مسئلہ ہے، بہت سارے پلیٹ فارمز پہ یہ ٹاک چلی. ایک کابل پیس پروسیس جو ہے پریزیڈنٹ اشرف غنائی نے کیا، اس کے بعد رشیا نے لیڈ لیا اور ایک ماسکو فارمیٹ ہوا، پھر ازبیکستان نے بھی اس میں کچھ پارٹیسپیشن کیا، انہوں نے وہاں پہ طالبان کے ڈیلیگیشنز کو ملا کے بات چیت کرنے کی کوشش کی. میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا. آج آ کے ہم بات کرتے ہیں یو ایس اور طالبان کی ڈائریکٹ ٹاکس، ٹھیک ہے، اور اس میں 8 راؤنڈ آف ٹاکس ہو چکے ہیں. ظالمی خلیل آزاد جو ان کا اسپیشل انٹرلوکیوٹر ہے اور ملا برادر جو طالبان کا ریپرزینٹیٹیو ان کے بیچ میں، اور ابھی 9th راؤنڈ آف ٹاک جو ہے وہ دوحا میں چل رہی ہیں، اس کا کیا آگے نتیجہ نکلتا ہم دیکھیں گے.
अब आ जाके क्या है कि ये लोग जो अभी तक हमें इंडिकेशंस मिली हैं उसमें ये है कि ये 1 सितंबर तक ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को ये साइन करना चाहते हैं और 28 सितंबर को जो डेट है वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, उससे पहले ये करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक तालिबान जो है वो सीज फायर के लिए नहीं माने, ठीक है। इसके अलावा जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक तरह तरह का जो एग्रीमेंट है वो है कि यूएस जो है 5,000 ट्रुप जो है जब एग्रीमेंट साइन हो जाता है वो तकरीबन 2 महीने की मुद्दत अरसे में वो यहां से विड्रॉ करेंगे 5 छोटे मिलिट्री बेसिस से, और जो बाकी विड्रॉल है वो एक फेज तरीके से होगा 2 साल के अरसे में। और वो उसकी अगर अब तालिबान जो है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में जो कंडीशंस दी हुई हैं रिकंसिलेशन की, पीस की हैं, अगर वो मानते जाते हैं उन कंडीशंस को तो उसी हिसाब से उनका जो है विड्रॉल होगा। लेकिन कुछ ट्रुप्स जो हैं जिसको काउंटर टेररिज्म इमरजेंसी फोर्स बोलते हैं या उनका कुछ इंटेलिजेंस सेटअप जो है वो बगराम इलाका में रहेगा। अब आगे जो चीज हमने देखनी है कि जो तालिबान ने अमेरिका को बोला है कि भाई हम अफगानिस्तान की टेरिटरी को यहां किसी टेररिस्ट को हम पनाह नहीं देंगे ताकि वो किसी दूसरे मुल्क के अगेंस्ट जो है वो अटैक करे, अब क्या वो एक्चुअल में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो तो उनके कंट्रोल में नहीं है। इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस ने तो पहले ही बता दिया है कि हम नहीं करेंगे, तो दूसरों का क्या क्या गारंटी, वो गारंटी कौन देगा इस चीज के बारे में। इसके अलावा और चीज है कि जो तालिबान है वो अभी तक तैयार नहीं है कि वो अशरफ गनी की गवर्नमेंट जिसको वो पपेट गवर्नमेंट बोलते हैं उसके साथ बात करने के लिए तैयार हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा वो तो चाहते हैं शरिया लाना और इसको एक इमारत बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट होंगी, क्या वो एक्सेप्टेबल है, वेमेन राइट्स क्या होंगे, इन चीजों के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं। इसी तरीके से एक बहुत ही जरूरी चीज है फॉर लास्टिंग पीस, वो है इंट्रा अफगान डायलॉग, जिसमें नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के अलावा जो नॉन पश्तून ग्रैंड अलायंस है वो भी बातचीत लें। एक छोटा डेलीगेशन लेवल टॉक्स दोहा में हुई थी पिछली दफा 2 हफ्ते पहले, उसके बाद इन टॉक्स का आगे क्या प्रोग्रेस होता है ये हमें देखना है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी बात है कि भाई जब तक एक एक्सटर्नल एजेंसी आके एक गारंटी ना दे, एक गारंटर ना बने कि ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करें, तो तब तक ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कैसे चलेगा। डिमोबिलाइजेशन क्या तालिबान करेंगे नहीं करेंगे, उनकी डिसआर्मिंग होगी नहीं होगी, अफगान नेशनल जो आर्मी है उसका और इनका आपस में क्या ताल्लुक होगा, क्या ये उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। आप इंटरनेशनल सतह पे देखें कहीं भी डिमोबिलाइजेशन डिसआर्मिंग हुई है तो एक पूरा मॉडल बनता है और एक कोई ओवरसाइट फोर्स आती है, ख्वाब वो यूएन के नीचे आ या कोई और फ्रेमवर्क या कोई और टास्क फोर्स आप बनाए, ऐसी कोई भी चीज जो है अभी हमारे सामने नहीं आई। सो द सिचुएशन इज इन अ हाईली हाईली इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स एंड देयर मेनी इन अनसर्टेनिटीज विच आर स्टिल देयर, एंड देयरफॉर मेरे हिसाब से जो ये प्रोग्नोसिस है पूरी चीज का ये अभी तक जो है ये बहुत डिम है और आगे सिचुएशन को वॉच करना पड़ेगा। जी, आपके नजरिए के मुताबिक ये जो न्यू ग्रेट गेम है ये किस तरह से आप इसको पैन आउट होते हुए देखते हैं? देखें, इसके तकरीबन 4 बड़े सिनारियो हम कह सकते हैं बनेंगे। एक जो सिनारियो जो अभी चल रहा है वो कि तालिबान जो हैं वो अरूज पे हैं और तकरीबन वो एक मेजर रोल प्ले करेंगे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में, और एक डायलॉग होगा जिसमें सीज फायर होगी, और दूसरी जो है जो जितनी भी चीजें मैंने पहले सिनारियो में आपको सिचुएशन में बोली वो सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी। और इस सिनारियो में ऐसे होगा कि रीजनल कंट्रीज जितनी भी हैं वो जो भी प्रो तालिबान ट्रांजिशन बनती है जिसमें उनको रोल मिलता है वो उसको सपोर्ट करेंगे और एक ऐसा अफगानिस्तान बने जिसमें तालिबान रिजीम या जो फ्यूचर रिजीम है उसका रिश्ता पाकिस्तान के साथ मजबूत हो।
क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता ऐसा कोई वहां पे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आए जो इंडिपेंडेंटली जो है वो वहां पे कोई अपनी जो है गेम करे, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी बात है रिकग्निशन ऑफ दुरंद लाइन, राइट। तो वो इश्यू वो वैसी रजीम वहां पे चाहेंगे। तो तकरीबन क्या पश्तून इस चीज को आखिर में मानते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत क्रिटिकल अनसर्टेनिटी। दूसरी चीज जो है कि वहां जेन्युइन रिकंसिलेशन हो जाए, ये एक स्टार्ट पॉइंट हो, उसके बाद जो है वो लोग सारे मिलजुल के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एक दूसरे से बात करें, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें छोटी मोटी अमेंडमेंट करें ताकि तालिबान की जो सेंसिटिविटीज हैं रिलीजन को लेके वो उसमें अकोमोडेट हो, और ये मॉडल्स बहुत सारी और कंट्रीज में हैं। यूएस और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपनी सपोर्ट दें कि हम फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करते रहेंगे, अगर बाहर की फाइनेंशियल एड नहीं आ गई तो अफगानिस्तान तो कोलैप्स हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बोला 90% तो बाहर से आती है। और इसके अलावा हम किस तरीके से एक पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई जाए, एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि जो दूसरे कॉम्बिटेंट ग्रुप्स हैं उनको डिसआर्म और डिमोबिलाइज किया जाए और उनको मेन स्ट्रीम किया जाए। तीसरा जो है कि ये सारी चीज एक कंफ्यूजन में रहेगी और इसको हम बोलेंगे प्रोलॉन्ग स्टेटमेंट, बातचीत चलती रहेगी, टॉक्स इनकंक्लूसिव रहेंगी, और अमेरिकन जो है वो थोड़ा बहुत विड्रॉ करके ज्यादातर उनकी फोर्सेस वहीं पे रहेगी और जो है वो फाइटिंग वहां पे चलती रहेगी किसी न किसी शक्ल में। उससे अफगानिस्तान की इकोनॉमी को भी फर्क पड़ेगा, और जितने ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हम बात करते हैं, ख्वा वो टैपी की बात करें या चाबहार जरांज देलाराम रूट की बात करें, ये प्रोजेक्ट जो है, या कासा 1000 जो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान को, ये सक्सीड नहीं होंगे। और जो डूम्स डे सिनारियो है, जो सबसे गंदा सिनारियो वो है कि ये टॉक्स फिर फेल हो जाती है, कहीं ना कहीं सेंसेशनल किलिंग हो जाती है और अमेरिका जो है वो उसका पेशेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि ट्रंप चाहता है कि जो 2020 इलेक्शन है उससे पहले यूएस विड्रॉ करे वहां से। तो हो सकता है वो एक यूनिलेटरल डिसीजन ले ले कि भाई हम अब हमारे बस का यहाँ पे नहीं है और हम यहां से विड्रॉ कर रहे हैं। उससे क्या है, अगर कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म वहां पे नहीं आता तो एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन बनती है जहां पश्तून ट्राइब्स के अंदर लड़ाई छिड़ सकती है और पश्तून और नॉन पश्तून के अंदर, और फिर जो वॉरलॉर्डिज्म है वो वापस दोबारा से आएगा और अफगानिस्तान के जो हालात हैं, जो अभी के हालात हैं, उनसे ज्यादा खराब हालात हो जाएंगे। इसका फायदा किसी को भी नहीं है, ना अफगान्स को है, ना रीजनल कंट्रीज को है। इट इज अ लूज लूज काइंड ऑफ अ सिनेरियो। जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस सारी सूरत हाल के हिंदुस्तान के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए, हमने तकरीबन 18 साल में बहुत इन्वेस्ट किया है, ये फिजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट लोगों के दिलों के अंदर और दिमागों के अंदर। इस वक्त अगर आप पॉपुलैरिटी रेटिंग इंडिया की देखें तो ये नंबर वन है वहां पे अफगानिस्तान के अंदर, और वहां पे ऐसी फोर्सेस हैं जो इंडिया की पॉपुलैरिटी उनके लिए एक तरह से आईसोर है, वो उसको पसंद नहीं करते। लेकिन इस चीज से हटके मैं बात करना चाहता हूं कि सबसे पहले इंडिया को अपने आप से एक सवाल पूछना कि आप किस आइडियोलॉजी को एक फ्यूचर अफगानिस्तान में सपोर्ट करते हैं, क्या वहाबीज्म आप चाहते हैं या यहाँ पे डेमोक्रेसी चाहते हैं, उसी हिसाब से आगे जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। दूसरा जो हमारा चैलेंज वहां पे है वो है जो जियोपॉलिटिकल अलायंस इस वक्त वहां पे बना है, रशिया चाइना ईरान पाकिस्तान, वो तकरीबन एक प्लेटफॉर्म पे आए, इंडिया उसमें शामिल नहीं है डायरेक्टली। और जो बिहेवियर है यूएस का उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि वो वहां पे इंडिया के जितने भी इंटरेस्ट है उनको मद्देनजर रख के कोई फ्यूचर वहां पे कार्रवाई करेगा। फिर अगर वहां पे क्योस हो जाता है और ज्यादा हालात खराब हो जाते हैं तो हमारे जो मिशंस हैं वहां पे 5 कंसुलेट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया, हमारे लोग वहां पे काम करते, उनकी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला उभर के आएगा। फिर हमारे जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो पेस है वो जो है
उसमें कमी आएगी तो लोग उससे भी नाराज हो जाएंगे। दूसरा हो सकता है जो भी नई गवर्नमेंट वो वहां पे आए उनकी एक कंडीशन हो किसी के इशारे पे कि आप इतना हाई प्रोफाइल जो आपका बायलेटरल रिलेशन है या कॉन्टेक्ट है इंडिया के साथ उसको आप कम करें। फिर हमें बैलेंस करना पड़ेगा वहां पश्तून और नॉन पश्तून एंटिटीज के बीच में, क्योंकि दोनों की एक्सपेक्टेशंस इंडिया के साथ है। और जो यूएस ने सैंक्शंस ईरान पे ऊपर की हैं, इसका असर हमारे छाबहार प्रोजेक्ट, ज़ेरान दिलाराम प्रोजेक्ट पे पड़ता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो हमारे लिए बहुत जरूरी उस पर पड़ता है, हम उस चैलेंज से कैसे डील करें। तो ये सारी चीजें वहां पे हैं। पहले भी ऐसी इस किस्म की जो सजेशंस आई थी पाकिस्तानीज की तरफ से अफगान्स को कि आप इंडिया से थोड़ा फासला इख्तियार करें और हम और चाइनीज मिलके वहां एक कंसोर्टियम बनाएंगे और आपके मिनरल सेक्टर वगैरह में हम जो है वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है इस किस्म का कोई दोबारा से प्रपोजल आए एक कंडीशन डाल के और चाइनीज और पाकिस्तानीज मिलके बड़े लेवल पे वहां पे आए ताकि इंडिया मार्जिनलाइज हो जाए। तो ये हमारे पे चैलेंजेस हैं। हमारी अपॉर्चुनिटीज भी वहां पे हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि इंडिया को कोई हेट नहीं करता, वह पश्तून और नॉन पश्तून हो, आप पॉपुलैरिटी रन्स अक्रॉस द बोर्ड। इवन तालिबान ने भी कोई कभी डायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक नहीं किया या क्रिटिसाइज नहीं किया। आप पीछे देखें कश्मीर के मसले पे भी जो तालिबान का जो स्टेटमेंट था उनकी लीडरशिप का था, उनको उन्होंने बोला कि आप कश्मीर को अफगानिस्तान के साथ ना लिंक करें, हाँ आप हमें अपने हाल पे छोड़ दें। तो हमारे जो हिस्टोरिकल रिलेशंस उनके साथ हैं और जो गुडविल हमने जनरेट किए क्योंकि हमें बहुत एक्सपीरियंस है वहां सिविक कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का, कोई भी नई गवर्नमेंट आएगी वो उसका फायदा उठाना चाहेगी। हमारी मार्केट बहुत ज्यादा है जिसमें वो लोग अगर उनको ट्रेड करना तो सबसे बड़ी मार्केट जो है नेबरहुड में इंडिया की मार्केट है। हमारी बहुत सारी स्किल्स है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में, आईटी के अंदर, टेलीकॉम्युनिकेशन, फार्मास्यूटिकल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इवन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, गेनिंग इंटेलिजेंस में भी हमारी बहुत सारी स्किल्स हैं जो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, साइबर सिक्योरिटी की है, और क्योंकि हमारा जो राबता है बहुत पश्तून और नॉन पश्तून से है तो इंडिया एक जरिया बन सकता है टू फैसिलिटेट इंट्रा अफगान डायलॉग, वाई शुड वी बी सपोर्टिंग दैट, उसमें हम आ सकते हैं। इसके अलावा जो है इंडिया एक लीड रोल वहां पे प्ले कर सकता है रिवाइवल ऑफ सूफीज्म और हमारी जो यहाँ की क्लर्जी उसको मिला के हम एक एनलाइटेंड इस्लाम का जो नैरेटिव है वो लोगों के सामने पेश करें। तो ये जो है हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन आखिर में ये कहूंगा मैं कि दो चीजें बहुत जरूरी है कि हम नहीं चाहते, मेरे ख्याल में कोई भी सेंसिबल कंट्री ये नहीं चाहेगी कि अफगानिस्तान दोबारा से एक एपिसेंटर बने इंटरनेशनल टेररिज्म का। सो वी शुड नॉट अडॉप्ट एनी पॉलिसी विच प्रमोट्स टेररिज्म देयर। सेकेंडली चाबहार प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमें इस चीज का भी अंदाजा होना चाहिए कि जो हालात हैं वहां के पे काफी हेडविंड्स हैं, क्रॉस करंट्स हैं जो इंडिया को इम्पैक्ट करती हैं। इसलिए ये इंडिया के हित में इस वक्त नहीं कि हम चुपचाप एक साइड पे खड़ा होकर तमाशा देखते रहें और बाद में जो है जब सिचुएशन जो पानी सिर से ऊपर निकल जाए तो फिर हम एक क्राइसिस मैनेजमेंट करें। इसलिए हमें जरूरी है कि हम एक बहुत ही प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल असेसमेंट करें वहां के जो रियल हालात हैं उनका और उसको मद्देनजर लेते हुए कॉम्प्रिहेंसिव हम आप एक स्ट्रेटजी बनाएं जिसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स, दूसरी कंट्रीज उनसे मिलके, लेकिन हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि लकीर के फकीर बन के आप चलें, एक बहुत ही हालात के हिसाब से उस स्ट्रेटजी को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि हमें पूरे जो जितने भी एग्स हैं वो एक बास्केट में नहीं डालने, एक नहीं कि ऑल एग्स इन वन बास्केट, बिकॉज वो जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमें अपनी रेड लाइंस जो हमारी सेंसिटिविटीज एंड कोर इंटरेस्ट हो, ऑल स्टेक होल्डर्स हमें क्लियरली बताना कि ये हमारी रेड लाइंस इसमें हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए फिर हमें डायलॉग प्रोसेस से और जो भी हमारी डिप्लोमेटिक स्किल्स है उनसे अपनी ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करना है, अपने लिए स्पेस करना है ताकि हम जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से अफगानिस्तान के पीस बिल्डिंग में एक बड़ा रोल अदा करें। जी, ऑन दैट नोट आज के प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं।
موجودہ صورتحال جو افغانستان میں ہے اور یو ایس طالبان کے بیچ میں جو پیس ٹاکس ہو رہی ہیں اس کے اوپر آپ کا یہ جو ڈیپ انالیسس کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے اوپر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ.